चाचा को तोड़ने के लिए बीजेपी ने दिया बड़ा ऑफर। अखिलेश यादव को चोट पहुंचाने की जोगत में बीजेपी। एक बड़े अखबार के संपादक ने किया है ये खुलासा। शोपाल सिंह और आदित्य यादव पर बीजेपी की नजर। देखिए बीजेपी ने क्या ऑफर चाचा शोपाल को दिया। देखिए क्या है बीजेपी का अखिलेश के खिलाफ प्लान। कैसे बीजेपी अखिलेश यादव को करना चाहती है कमजोर। देखिए क्यों बीजेपी खेल रही है ये बड़ा सियासी खेल। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले सियासी मजबूती हासिल करने का दौर चल रहा है और इस दौर में अखिलेश यादव को एक बड़ी चोट देने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है। बीजेपी आगे बढ़ती सपा को कमजोर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है और ये खबर पुख्ता तौर पर किसी और ने नहीं बल्कि प्रदेश में चलने वाले इवनिंग अखबार 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने उजागर की है। आपको भी सुनवाएंगे कि संजय शर्मा ने क्या खुलासा किया है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों इतना बड़ा दांव चलने वाली है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के सपा के साथ जाने के बाद बीजेपी को डर सता रहा है और बीजेपी इस डर को सपा की कमजोरी बनाने की चाहत में है, जिसके लिए बीजेपी ने शिवपाल सिंह यादव के सामने एक बड़ा ऑफर रखा है जिसमें शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को भी सेट करने का विकल्प दिया है। 4 PM के संपादक संजय शर्मा की जुबानी ही आप सुनिए कि आखिर बीजेपी का ऑफर क्या है। वो जानकारी ये है कि शिवपाल यादव के पास प्रस्ताव भेजा गया है कि आप मजबूती से अपने गठबंधन को मजबूत बनाइए, कांग्रेस के साथ अलायंस कर लीजिए या फिर OBC के साथ अलायंस करिए, एक गठबंधन में रहिए, चुनाव लड़िए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा और उनके बेटे को उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये सारी बातें सूत्रों पर आधारित है, इसलिए इस बात को बिल्कुल ये मत मान के चलिए कि ये सब कुछ सच होगा, लेकिन राजनीतिक में जो चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक में जो विमर्श होते हैं और राजनीतिक में जो कयासबाजी होती हैं उसको आप तक पहुंचाना भी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मेरे जो पाठक हैं, मेरे जो श्रोता हैं, वो जान सके राजनीति में चल क्या रहा। तो जिस समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अखिलेश यादव जी जान से जुटे हैं उसे ही कमजोर करने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है। बीजेपी का प्लान है कि शिवपाल सिंह यादव को सरकार बनने के बाद राज्यपाल बनाया जाएगा और उनके बेटे आदित्य यादव को कैबिनेट में बड़ा पद दिया जाएगा और ये ऑफर शिवपाल सिंह यादव के सामने बीजेपी ने रखा है। लेकिन सूत्रों की माने तो चाचा शिवपाल सिंह यादव और आदित्य यादव ने फिलहाल इस ऑफर को ठुकरा दिया है और परिवार के साथ अपनी वफादारी दिखाई है जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर सपा को तोड़कर बीजेपी को क्या मिलेगा। तो इस सवाल का सीधा जवाब है कि मुलायम परिवार यूपी की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है और इस परिवार को तोड़ने से हर विरोधी दल को सियासी माइलेज ज्यादा मिलेगा और बीजेपी अगर ऐसा करने का प्लान बना रही है तो इसके पीछे की वजह सियासी माइलेज और प्रदेश की सत्ता का सवाल है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से जो ऑफर दिया गया है इसका खुलासा संजय शर्मा ने किया है, तब से सनसनी है। लेकिन शिवपाल और आदित्य की तरफ से रुख अपनाया गया है वो भी सुर्खियों का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।